राजमार्ग हैं जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जाता है या बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाता है, उसके बीच में रुद्रप्रयाग पड़ता है। और जो सबसे कठिन रास्ताओं में से एक माना जाता है वो ये है सिरोबगढ़। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी भले ही मोबाइल में बड़ी छोटी सी आपको फील आए, अपने पीसी में या लैपटॉप में आपको बहुत छोटी फील आए, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। पास जाके भी दिखाऊंगा। और इसे सिरोबगढ़ कहते हैं। लगातार एक नई सड़क बन रही है ये देखिए सामने में, ताकि यहाँ से लोगों को अब ना आना पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और बहुत शांत और बड़ी प्यारी सड़क अभी लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कि कितनी शांति है इस सड़क में, लेकिन जैसे ही बरसात आती है ये दानव बन जाता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से लगातार पत्थर, वो भी चूने की पत्थर ऐसे नज़र आ रहे हैं, गिरती रहती है। और नज़दीक आ गए सिरोबगढ़ के, ये देखिए ऊपर से ये गिरता है और सीधे ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं इनके लिए खतरा हो जाता है इनसे। ये देखिए सीधे नीचे नदी, गहरी नदी है, पूरा एरिया ही घाटियों का एरिया है पूरा, आप देख सकते हैं जहाँ तक आपको नज़र जाए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए, तो इसलिए ये सिरोबगढ़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन अब आप ठीक मेरे सामने देख सकते होंगे कि ये दो पुलों का निर्माण हो रहा है, दो नहीं मतलब एक पुल का निर्माण हो रहा है, और इसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो अब यहीं से जाएंगी, ना कि उनको अब यहाँ से आने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से उनको आना नहीं है, उनको अब सीधे वहीं से बाईपास होकर निकल जाएंगी। और ये बहुत अच्छा सोचा है हाईवे अथॉरिटी ने। ये देखिए, देखिए सिरोबगढ़ से बचने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है इस पुल का निर्माण हो रहा है, ताकि अब बाईपास से गाड़ियाँ निकल जाएँ, तो इसलिए इस पुल का निर्माण हो रहा है ताकि अब सिरोबगढ़ से लोगों को जाने की ज़रूरत ना पड़े।